तो नमस्कार। अभी की ऐसी बेहद बुरी खबर निकल कर सामना रही, जिसमें साथ ही बता दें कि एक बीजेपी के नेता ने खुद अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि अभी की जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश के भोपाल से निकल कर सामना रही है। तो साथ ही आपको पूरी जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भोपाल में बीजेपी नेता ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों के बीच शराब पीने से मना करने पर विवाद हुआ था। गुस्से में आकर पति ने लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। बेटी बचाने आई तो आरोपी ने उसे भी कब दे दिया और उसे मारने दौड़ा। वारदात के बाद वह फरार हो गया। मामला रातीबड़ इलाके में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात का है। पुलिस आरोपी की तलाश में कई जगह दबसी दे रही है। एसआई क्रमवीर सिंह ने बताया है कि साईनाथ नगर रातीबड़ निवासी राजेंद्र पांडे शराब पीने का आदी है। वो रोजाना शराब पीकर पत्नी से विवाद करता था। सोमवार को वह एक रिश्तेदार के घर से शराब पी रहा था। पत्नी ने विरोध किया तो झगड़ा करने लगा। पांडे दंपति की बड़ी बेटी अपने पति के साथ मायके आई हुई थी। माता पिता का झगड़ा बढ़ता देख वे पति को लेकर ऊपर के फ्लोर पर चली गई। उसने अपने नाना की सूचना दी, जो पुलिस विभाग के एसआई के पद पर रिटायर हुए हैं। उन्होंने तुरंत पहुंचने की बात की। जिया अपने ससुर के घर आने की बात सुनकर राजेंद्र वहां से निकल गया। कुछ देर बाद लौट कर आया तो घर के बाहर खड़ा होकर चिल्लाने लगा। उसने गाड़ी में रखी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक निकाली और पत्नी शीला पर फायर कर दिया। गोली शीला की कमर में लगी। बेटे दामाद ने घबरा कर शीला को अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर लिया। राजेंद्र ने जाली लगे दूसरे दरवाजे से एक और फायर कर दी। गोली दीवार पर लगी। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस बीच राजेंद्र वहां से भाग निकला। मौके पर पहुंची पुलिस को दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। बेटी दामाद इतने घबरा गए थे कि उन्हें पुलिस के आने पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। शीला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई।